तो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। तो इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये एल सपोज नॉर्थ साउथ पोल स्ट्रेंथ एम एंड एम, ये आर। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पोल क्या है, नॉर्थ विद अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो ये आपके पास क्या आएगा, बी वेक्टर। तो ये बी की वैल्यू यहाँ आएगी बी वन, बी वन है या बी जो मर्जी मान लो। तो क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय फोर पाई एम इंटू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। उसी तरीके से ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू ऐसे रहेगी, यानी बी की वैल्यू। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं सच दैट यहाँ पे एंगल क्या है, सच दैट यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, थीटा थीटा ऑल्टरनेट। तो बी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट ये रहा बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दूसरा कॉम्पोनेंट ये रहा बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ऐसी ये बी है, बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ऐसी ये बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो नेट बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, टू बी कॉस थीटा। अब टू इंटू बी तो आपने निकाल रखा है म्यू नॉट बाय फोर पाई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट योर कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एल डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दैट इज एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर लें तो नेट बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू स्मॉल एम इंटू टू एल, ये टू इससे मल्टीप्लाई हो गया टू एल हो गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू। पर स्मॉल एम इंटू टू एल क्या होता है, कैपिटल एम। तो म्यू नॉट बाय फोर पाई कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू इज द आंसर। फॉर्मुला बुकलेट में ये नोट करो। ठीक, और शॉर्ट डायपोल के लिए, फॉर अ शॉर्ट डायपोल, ठीक, शॉर्ट डायपोल के लिए हम क्या करते हैं, एल इज वेरी मच लेस देन आर, आर बहुत बड़ा है तो एल को निग्लेक्ट करते हैं। तो बी नेट की वैल्यू शॉर्ट डायपोल के लिए आएगी म्यू नॉट बाय फोर पाई, एल को यहां जीरो पुट कर दो तो आंसर आएगा एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये रहा। तो ये इक्वेटोरियल के ऊपर शॉर्ट डायपोल का ये फॉर्मूला है। और एक और चीज, क्योंकि यहां पर इस डायग्राम में चेक करें आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कहाँ है, साउथ से नॉर्थ, और नेट बी कहाँ है, लेफ्ट। तो मैग्नेटिक मोमेंट और नेट बी में एंगल क्या होगा, 180, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया करते थे, बिल्कुल सेम 180। तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर है।